गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 12वीं की जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो आपके टेक्सटल पार्ट की पोम 13 थी, फॉरेस्ट एंड रिवर, जिसके अर्थापन को बहुत अच्छे से समझा था और किया था, आज उसी पोम नंबर 13 के हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। आज चलिए इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर्स और पोम एक्सट्रैक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डज द फॉरेस्ट एनवी द रिवर, जंगल नदी से ईर्ष्या क्यों करता है? आंसर, द फॉरेस्ट एनवीज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दैट द रिवर एंजॉयज एंड रिग्रेट्स इट्स ओन डेस्टिनी ऑफ रिमेनिंग चेंड टू वन प्लेस। जंगल नदी से इसलिए ईर्ष्या करता है कि नदी को क्या है, नदी को घूमने की बहुत स्वतंत्रता है, जबकि जो जंगल है उसकी डेस्टिनी है, उसकी नीति क्या है, वो सिर्फ एक ही जगह पर बंधा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, व्हाट इज द किंगडम ऑफ वाटर, पानी का साम्राज्य क्या है? आंसर, द सी इज द किंगडम ऑफ वाटर, पानी का साम्राज्य समुद्र है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखें बच्चों, व्हाट इज द फॉरेस्ट्स कंप्लेन अबाउट इट्स लाइफ, जंगल जो है अपनी जिंदगी को लेकर के क्या शिकायत करता है? द फॉरेस्ट रिग्रेट्स इट्स ओन डेस्टिनी ऑफ रिमेनिंग चेंड टू वन प्लेस, इट कंप्लेन्स दैट इट ग्रोज ओल्ड इन साइलेंस एंड डाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर जैसा ही, जैसे कि यहाँ पे इसकी सेकेंड लाइन पूरी यहाँ मिल रही है, बोलता है फॉरेस्ट को दुख होता है कि उसकी जो नीति है वो सिर्फ एक ही जगह बंधे रहने की हो गई है, और उसकी ये भी शिकायत है कि वो सन्नाटे या शांति में ही उदित होता है, उगता है और सन्नाटे में ही मर जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डज द रिवर प्रेज द फॉरेस्ट, अब नदी जंगल की प्रशंसा कैसे करती है? आंसर देखें, द रिवर प्रेज द मैजेस्टिक सिक्लूजन दैट द फॉरेस्ट एंजॉयज। नदी कहती है कि अरे तुम तो बहुत ही अंतरमय शांति को तुम आनंद लेते रहते हो। इट प्रेज द काम एंड रेस्ट गिफ्टेड टू द फॉरेस्ट, और बताती है कि तुम किस प्रकार से शांति और विश्राम की अवस्था में रहते हो, जो कि एक बहुत बड़ा उपहार स्वरूप है, और मैं क्या है, मैं तो पूरे समय घूमती रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई डज द रिवर कंसाइडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस, नदी अपनी यात्रा को निरर्थक या निरुद्देश्य क्यों मानती है? आंसर, द रिवर कंसाइडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस बिकॉज, ऐसा इसलिए मानती है, इट ऑलवेज रन्स एंड नेवर हैज अ मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट, क्योंकि वो हमेशा चलती ही रहती है, दौड़ती ही रहती है, और उसको विश्राम और शांति का एक पल भी नसीब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो बच्चों, इन व्हाट वे डज द डायलॉग बिटवीन द रिवर एंड द फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट द डायलेमा ऑफ अ पासर बाय। अब अगर हम कहें तो जो संवाद है नदी और जंगल के बीच में, वो किसी राहगीर को क्या उद्देश्य देगा, क्या उपदेश दे सकता है? आंसर, द डायलॉग बिटवीन द रिवर एंड द फॉरेस्ट ब्यूटिफुली रिफ्लेक्ट्स द डायलेमा ऑफ अ पासरबाय, ही इज नॉट एबल टू डिसाइड एज सो विच कोर्स ऑफ लाइफ ही शुड चूज, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दैट द रिवर एंजॉयज ऑन द मैजेस्टिक सिक्लूजन काम एंड रेस्ट दैट द फॉरेस्ट एंजॉय। अब वो जो राहगीर रहता है, ये जो संवाद है बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित करता है किसी भी एक राहगीर की मनोदशा को, क्या कि वो क्या डिसाइड करे, क्या चूज करे, कि वो नदी बन जाए जिससे कि वो पूरे समय स्वतंत्रता का अनुभव कर सके, घूमने का अनुभव कर सके, या फिर वो फॉरेस्ट या जंगल बन जाए जिससे उसको बहुत आत्मीय शांति, सुकून और विश्राम का अनुभव हो सके, या फिर वो दोनों को चूज करे। तो ये थे बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और अब हम करेंगे इसके पोम एक्सट्रैक्ट। पहले पोम पढ़ेंगे, आई विश आई वर लाइक यू सेड द फॉरेस्ट टू द रोरिंग रिवर ऑलवेज ट्रेवलिंग ऑलवेज साइट सीइंग।
अब इस पे बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस देखें। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द लाइंस गिवन अबव विच। पहला हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड नॉइजी। नॉइजी यानी शोरगुल, तो उसका सेम मीनिंग वर्ड आता है आंसर ए रोरिंग। सेकंड देखें, इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑलवेज। ऑलवेज का अपोजिट या विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, नेवर। नेवर यानी कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर टू देखें, आई विश आई वर लाइक यू, हु सेज दिस टू होम। कौन किससे कह रहा है, द फॉरेस्ट सेज दिस टू द रिवर। राइट द नेम ऑफ द पोएट हु रोट दिस पोएम। इस पोएम को लिखने वाले पोएट का नाम या कवि का नाम, तो उनका नाम है जलालुद्दीन रूमी। नेक्स्ट देखते बच्चों, बट वॉट एम आई, ओनली अ कैप्टिव, चेन टू द अर्थ, इन साइलेंस आई ग्रो ओल्ड, इन साइलेंस आई वाइदर एंड डाई। उसके क्वेश्चंस देखें, पहला हु इज आई इन दीज लाइंस। अब इसमें आई जो है वो कौन है, रिवर है, फॉरेस्ट है या स्काई है, तो आंसर है फॉरेस्ट। क्वेश्चन सेकंड, फ्रॉम दीज लाइंस अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्री। फ्री का अपोजिट क्या होगा, फ्री यानी स्वतंत्र, तो यहां पर उसका अपोजिट वर्ड है कैप्टिव। थर्ड क्वेश्चन देखें, गिव द नेम ऑफ द पोएट। तो आपको इसका नाम मालूम है बहुत अच्छे से, पोएट का नाम क्या है, जलालुद्दीन रूमी। तो ये थे क्वेश्चन आंसर, इसमें आपको आंसर लगाना था। तो ये बच्चों क्वेश्चन आंसर और पोम एक्सट्रैक्ट है, जिनको आपको नोटबुक में अच्छे से नोट करना है, अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट उसमें हम नेक्स्ट पोम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।